सब्सक्राइब कीजिए एंड्रॉइड बडी को और साथ ही में बेल आइकन दबाएं यूजफुल टेक वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, एंड्रॉइड बडी में आप सभी का स्वागत है। सैमसंग गैलेक्सी A50 में लेटेस्ट अपडेट आ गया है। अगस्त के महीने का 20 अगस्त को ये अपडेट आ गया है। अगर आप लोगों ने अपडेट नहीं किया तो जाके चेक कीजिए, अपडेट में आपको अपडेट मिल जाएगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं अपडेट दिया गया है। अपडेट है 320.08 MB का। चलिए देख लेते हैं क्या डिटेल्स लिखे गए हैं यहाँ पे। और यहाँ पे डिटेल्स में अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पे परफॉर्मेंस ऑफ द फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हैज़ बीन इम्प्रूव करके दिया गया है। स्नैपचैट ऐप यहाँ पे इंस्टॉल हुआ है। जैसे पास्ट में एक और ऐप इंस्टॉल हो गया था, वैसे ही यहाँ पे स्नैपचैट ऐप इस बार इंस्टॉल हो जाएगा। साथ में बैटरी चार्जिंग एल्गोरिदम जो है उसका स्टेबिलिटी बढ़ाया गया है। पास्ट में कुछ लोगों को बैटरी चार्जिंग में प्रॉब्लम हो रहा था, फास्ट चार्जिंग नहीं हो रहा था, बहुत ही स्लो चार्ज हो रहा था, तो वहाँ पे उसको अपडेट किया गया है, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके बाद यहाँ पे सिक्योरिटी ऑफ द डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव करके लिखा गया है। तो ये सारे फीचर्स लिखे गए हैं, हो सकता है और भी कुछ अपडेट्स होंगे। फिलहाल हम लोग इंस्टॉल करके देखेंगे फिंगरप्रिंट कैसा फास्ट हुआ है। और अपडेट करने से पहले चले देख लेते हैं फिंगरप्रिंट कैसा चल रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिंगरप्रिंट ऑलरेडी सेट करके रखा है और देख सकते हैं काफ़ी अच्छा चल रहा है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं है यहाँ पे। और देख सकते हैं ओवरऑल पहले जैसा था उससे कहीं ज़्यादा बेटर हुआ है। चलिए अब देखते हैं इस बार अपडेट करने के बाद उससे बेटर होता है कि नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे अपडेट हो गया है फ़ोन, और अपडेट होने के बाद फ़ोन ऑन हो गया है। और नोटिफिकेशन ड्रॉअर को अगर आप ड्रैग डाउन करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ लिखा गया है, फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन हैज़ बीन इम्प्रूव्ड इन द लेटेस्ट सॉफ्टवेयर अपडेट फॉर बेटर फास्टर रिकॉग्निशन, रिमूव योर फिंगरप्रिंट्स एंड रजिस्टर देम अगेन। पहले हम लोग रजिस्टर किए बिना इसको चेक करेंगे कैसा चल रहा है, उसके बाद हम लोग सबको अनरजिस्टर कर देंगे, उसके बाद रजिस्टर करके देखेंगे कैसा फास्ट हुआ है कि स्लो हुआ है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं पहले जैसा था वैसा ही यहाँ पे चल रहा है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे नहीं लग रहा है। स्लाइट थोड़ा सा डिफरेंस लग रहा है, स्लाइट माइनर सा डिफरेंस, अभी तो कुछ भी नहीं लगा। चलिए हम लोग जैसा हमने कहा गया है यहाँ पे सारे फिंगरप्रिंट्स को यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, उसके बाद हम लोग नए से डालते हैं। तो तीन फिंगरप्रिंट्स मेरे यहाँ पे दिए गए हैं, फिंगरप्रिंट्स रजिस्टर है, तो रजिस्टर फिंगरप्रिंट्स अगेन करके बोल रहा है, तो मैं पहले यहाँ पे इनको डिलीट कर देता हूँ, रिमूव कर देते हैं। तो देख सकते हैं सारे फिंगरप्रिंट्स को मैंने रिमूव कर दिया है। अब हम लोग दोबारा से फिंगरप्रिंट्स को रजिस्टर करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे दोबारा से मैंने फिंगरप्रिंट को रजिस्टर कर लिया है, और यहाँ पे चलिए देख लेते हैं फिंगरप्रिंट कैसा काम कर रहा है। और जैसे कि आप लोग देख सकते हैं थोड़ा बग जैसा लग रहा है यहाँ पे, फिंगरप्रिंट अनलॉक करते टाइम यहाँ पे थोड़ा देख सकते हैं थोड़ा लैग हो रहा है स्क्रीन। और बहुत ज़्यादा कुछ फास्ट यहाँ पे मुझे नहीं लग रहा है। हालांकि जब आप लॉक स्क्रीन से करेंगे, मैं लॉक स्क्रीन से ऐसे कर रहा हूँ, तो देख सकते हैं थोड़ा फास्ट खुल रहा है यहाँ पे, थोड़ा फास्ट लग रहा है। लेकिन जब टोटली स्क्रीन ऑफ रहेगा और आप फिंगरप्रिंट को यूज़ करना चाहेंगे तो थोड़ा डिले हो रहा है, और अभी जैसे ठीक हो रहा है, पहले जैसा लग अभी तक नहीं हो रहा है। तो अभी थोड़ा ये बेटर लग रहा है, पहले के टाइम में यहाँ पे थोड़ा लैग हो रहा था, हो सकता है फ़ोन को रिस्टार्ट किया था इसलिए थोड़ा लैग हो रहा था, लेकिन अभी देख सकते हैं फिंगरप्रिंट बराबर काम कर रहा है। और पहले से थोड़ा सा स्लाइड एकदम फास्ट लग रहा है, बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस यहाँ पे डे और नाइट डिफरेंस नहीं है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि इसके अपडेट के बाद डे एंड नाइट डिफरेंस हो जाएगा तो ऐसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे और एक ऐप अपडेट इंस्टॉल हुआ है अपडेट के साथ, यहाँ पे मैं देख सकते हैं यहाँ पे स्नैपचैट ऐड हो गया है। पहले यहाँ पे स्नैपचैट नहीं था, स्नैपचैट यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल हो गया है। पता नहीं सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है, हर अपडेट के साथ यहाँ पे एक ऐप ऐड कर रहा है वो लोग, जो कि ब्लोटवेयर्स है, जो कि इंस्टॉल नहीं करना चाहिए, लेकिन पता नहीं सैमसंग ऐसा क्यों कर रहा है। मेरे सैमसंग का सजेशन रहेगा ये कि वो लोग ऐसा ना करें, क्योंकि मोस्टली हम लोग ये सब ऐप यूज़ नहीं करते, स्नैपचैट और लास्ट टाइम ये booking.com इंस्टॉल हुआ था, तो मोस्टली यूज़र्स ये सब यूज़ नहीं करते हैं।
तो यहाँ पे चलिए अनइंस्टॉल का ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है, आप चाहे तो इसको अनइंस्टॉल भी कर सकते हैं, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप अनइंस्टॉल कर सकते हैं। तो बेसिकली अपडेट में यही था। अगर अपडेट के साथ कुछ और नए फीचर्स आप लोगों को मिला है तो आप लोग बता सकते हैं, मैं उसके लिए भी वीडियो बना दूंगा। फिलहाल अपडेट करने के बाद मुझे यही दो अपडेट नोटिस में आए, अलग से कुछ अपडेट के बारे में पता नहीं चला। और हमारे एक भाई दर्शन चौगले, वो यहाँ पे अपडेट के बारे में हम लोग को बताया था सुबह को, तो उनको भी एक शाउट आउट बताने के लिए थैंक्स। हालांकि मैं रोज़ चेक करता हूँ लेकिन आज चेक नहीं किया था, लेकिन वो बताने के बाद मैंने चेक किया तो अपडेट मुझे मिल गया था, तो अपडेट के बाद मैं आप लोगों को ये वीडियो दे दिया। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना ना भूले और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही और एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय और आपका दिन शुभ हो।